यूपी के इटावा में पुलिस की मौजूदगी में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि इलाके के दबंगों ने एक पूर्व फौजी के घर का रास्ता बंद कर दिया था और जब पूर्व फौजी और उसके परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। मारपीट की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस वाले वहां पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस वालों के समझाने का झगड़ा रहे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा और पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मारपीट में घायल पूर्व फौजी, उनकी पत्नी और बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। दो लोग दबंग हैं, इधर उधर से कॉल करवा लेते हैं, पैसे भर देते हैं पुलिस को, तो पुलिस उल्टा इन्हीं लोगों को धमका के भगा देती है। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों उम्मीदवारों ने पटना में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था जिसकी बिहार पुलिस सेवा आयोग ने जांच भी कराई, लेकिन जांच में ऐसा कोई भी दावा सही साबित नहीं हुआ। ये खबर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को लगी तो उन्होंने पटना बंद का ऐलान कर दिया। सड़कों पर उतरे लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इलाके की एक एक दुकान का शटर नीचे करवा दिया गया। जिन लोगों ने दुकानें बंद करने से इनकार किया उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों पर गुंडागर्दी का आरोप लगा। उन्होंने इलाके की एक भी दुकान को नहीं छोड़ा। सब इंस्पेक्टरों की भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए उम्मीदवारों का मार्च कई इलाकों से गुजरते हुए पटना के जेपी गोलंबर चौक पहुंचा, जहां पुलिस ने भी उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में आज बिहार भर के छात्र पटना में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटना के जेपी गोलंबर पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने यहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं वाटर कैनन का प्रयोग किया है और सामने से पत्थरबाजी चल रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं तो वहीं जो पुलिस के जवान हैं उनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई। जवाब में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके और इस पथराव में 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, जबकि एक पुलिस वाले का तो पथराव में सिर फूट गया। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और जो प्रदर्शनकारी लाठीचार्ज के डर से किसी घर या फिर किसी गोदाम में छिप गए थे उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को अपनी हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने तो पथराव किया ही, जवाब में पुलिस वाले भी उन पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इस पूरे हंगामे के दौरान सिटी मैजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को सही बताया। उन लोगों को कई बार रिक्वेस्ट किया गया, चेतावनी दी गई कि आपका धरना प्रदर्शन जुलूस अवैध है, इनको अनुमति नहीं। उसके बाद वो नहीं माने तो पहले हम लोगों ने वाटर कैनन का यूज किया, उनके तरफ से पत्थर चलने लगे, पत्थर चलने के बावजूद हम लोगों ने बल का प्रयोग किया। दिल्ली के शाहीन बाग में हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस के दावे पर सियासत गरमा गई। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि फायरिंग की घटना में गिरफ्तार कपिल गुर्जर नाम के आरोपी के पिता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने दावे को सही साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कपिल गुर्जर के मोबाइल से मिली तस्वीरों का हवाला दिया। इन तस्वीरों में कपिल गुर्जर के पिता गजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी के साथ नजर आए। दावा किया गया कि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आरोपी के पिता ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। आरोपी के पिता की एक और तस्वीर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिली। वहीं एक तस्वीर में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शाहीनबाग फायरिंग का आरोपी कपिल गुर्जर भी दिखाई दिया। पुलिस ने दावा किया कि 2019 में कपिल गुर्जर के पिता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। कुछ फोटोग्राफ हमको मिले हैं जिससे ये एस्टैब्लिश होता है और इसने डिस्क्लोजर में ये बात बताया जब हमने क्वेश्चन किया है। तो साल भर पहले जो ये कपिल बैसला है और उसके पिताजी जो गजय सिंह है इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। इसके बाद कपिल गुर्जर के पिता गजय सिंह भी सामने आए। उन्होंने खुद के आम आदमी पार्टी से जुड़ने के दिल्ली पुलिस के दावे को गलत बता दिया। आम आदमी पार्टी से कोई हमारा कोई किसी ताल्लुक नहीं है, ना कोई हमारा मैटर है, ना हम आम आदमी में जॉइन करी। वहीं शाहीन बाग फायरिंग पर पुलिस के दावे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई। फायरिंग के आरोपी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीरों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आने का दावा किया। अब ये साफ हो गया कि ये बंदूक चलाने वाला आम आदमी पार्टी का था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन हमलों को घटिया राजनीति बताया
और कुछ दूसरे मामलों के आरोपियों के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें दिखाकर उसको घेरने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए। ये भाजपाइयों की गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। कौन आदमी किस पार्टी में ज्वाइन किया था ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है क्या? पुलिस का ये काम है कि कौन सा आदमी किस पार्टी का है, उसके हिसाब से वो अपराध तय करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने शाहीनबाग इलाके में फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार कपिल गुर्जर के बहाने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली का माहौल खराब करने की साजिश का भी आरोप लगाया। इसको संजय सिंह ने ही आप ज्वाइन करवाया है, ये सब कुछ दिल्ली देख ले, ये सारा साजिश, ये सारा 50 दिन तक बंधक बनाना, फिर उसको किस प्रकार से हिंदू मुसलमान बनाने के लिए अपने कार्यकर्ता से गोली चलाना, ये सब आम आदमी पार्टी की साजिश है जो अब एक्सपोज हो चुकी है। यही सब चेहरे शाहीनबाग बना रहे हैं, यही सब चेहरे गोली चलवा रहे हैं, यही सब चेहरे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने जामिया इलाके में हुई फायरिंग की घटनाओं के बहाने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरा। सुभाष चोपड़ा ने दोनों पार्टियों को एक सिक्के के दो पहलू बताया। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि ये ए और बी टीम बीजेपी के, ये केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज ये स्पष्ट हो गया है, ये कैलाश कपिल बैंसला जो है ये बीजेपी के सदस्य, किसने बनवाया? अतिथि ने, ये बनवाया संजय सिंह ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच आर पार की लड़ाई और तेज हो गई। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने का खुला चैलेंज दे दिया। मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे और उस सीएम कैंडिडेट के साथ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिली चुनौती के बाद न्यूज 18 की टीम ने बीजेपी नेता अरुण सिंह से बात की, जिसमें उन्होंने पार्टी में केजरीवाल से कई अच्छे नेताओं के होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो अरविंद केजरीवाल से कई गुना अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं, यह उनको मालूम ही नहीं, और जहां डिक्लेयर नहीं किए वहां 3/4 बहुमत के साथ जीते, कहीं करते हैं कहीं नहीं करते। वहीं बीजेपी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की अरविंद केजरीवाल की चुनौती का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अभी अभी श्रीमान केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में एक घोषणा करो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, और मुख्यमंत्री घोषणा करो तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अरे केजरीवाल जी, इसके लिए मुख्यमंत्री घोषित करने की जरूरत नहीं है, तिथि और समय बता दो, सुभाष भाई आकर चर्चा कर लेंगे। यूपी के मेरठ में छात्रों के दो गुटों के बीच सड़क पर जमकर झड़प हुई। बताया गया कि इन छात्रों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया और एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। हंगामा कर रहे इन छात्रों ने सड़क पर चल रही गाड़ियों की भी परवाह नहीं की और इस बीच एक छात्र गाड़ी की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। करीब 20 से 25 छात्रों के दो गुट बीच सड़क पर काफी देर तक पत्थरबाजी करते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि बाद में वो सभी छात्र वहां से भाग गए। झड़प की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। दो पक्षों में कोई झगड़ा हुआ है, वो बात जांच की जा रही है अभी, और जो भी इसमें व्यक्ति शामिल है जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रोहित शर्मा की जगह मयंक अग्रवाल टीम में शामिल किए गए। न्यूजीलैंड में घायल हुए रोहित शर्मा की जगह मयंक अग्रवाल को भारतीय वनडे और टेस्ट टीम में शामिल किया गया। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती रहे ऋषि कपूर ने बताया कि वो अब मुंबई में हैं और उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। साथ ही ऋषि कपूर ने दिल्ली के प्रदूषण को बीमारी की वजह बताया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर फिल्म शिकारा की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई। ये फिल्म घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनाई गई है, लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि इसमें गलत तथ्य दिखाए गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के करोल बाग में रोड शो और बाइक रैली में हिस्सा लिया। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली की जनता परिवर्तन की मन बना रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस ने शाहीन बाग और शर्जील के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले एएमयू के कुछ छात्रों पर केस दर्ज कर लिया।
6 नामजद स्टूडेंट हैं इसमें और बाकी अज्ञात हैं। FIR दर्ज की गई है, विवेचना की जा रही है। इन्होंने AMU के अंदर पुतला फूका था और इसी पर ये कार्रवाई की गई है। एयर इंडिया ने कोरोना वायरस की वजह से हांगकांग जाने वाली अपनी उड़ानों पर 28 मार्च तक रोक लगा दी। बीजेपी के नए अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में पार्टी की पहली संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नड्डा ने सभी सांसदों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए। साथ ही जिन सांसदों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है उन्हें ज्यादा ध्यान देने को कहा गया। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के मामले में हाईकोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। महाराष्ट्र के तारापुर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि इसने देखते ही देखते फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। फैक्ट्री की छतों से उठ रहा काला धुआं कई फीट ऊपर तक जा रहा था। फैक्ट्री में केमिकल भरा होने की वजह से यह आग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से फैल रही थी। फैक्ट्री में आग लगते ही वहां काम कर रहे सभी लोग बाहर निकल गए और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। यह आग जिस फैक्ट्री में लगी थी उसके पास कई और फैक्ट्रियां भी थी, जिस वजह से उनमें भी आग फैलने की आशंका थी। हालांकि घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान से यूटा और वायोमिंग समेत कई राज्यों में हालात पटरी से उतर गए। बर्फीले तूफान की सबसे ज्यादा मार यूटा राज्य पर पड़ी, जहां बर्फीला तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया। तेज हवाओं और बर्फबारी की वजह से यूटा राज्य के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई। जीरो विजिबिलिटी का मतलब है कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। इस वजह से एक गाड़ी भी हाईवे पर पलट गई। बर्फबारी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी काफी असर पड़ा। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसे हटाने का काम लगातार जारी रहा। यूटा की तरह उससे लगे वायोमिंग राज्य में भी बर्फीले तूफान ने कहर बरपाया। इससे तूफान के बीच फंसे लोगों को वहां से निकालने में काफी दिक्कतें आईं। 4 लाख लोगों पर इस बर्फीले तूफान का असर पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात के खेड़ा में एक कार और ऑटो रिक्शा की भीषण टक्कर हो गई। ऑटो रिक्शा सड़क पर गलत दिशा से आ रहा था और जैसे ही उसने हाईवे के दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, उसकी सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद ऑटो पलट गया और कार तेजी से घूमती हुई काफी आगे निकल गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो ड्राइवर बीच सड़क पर जा गिरा, जबकि कार के आगे के परखच्चे उड़ गए। जिस वक्त ये कार और ऑटो की टक्कर हुई, वहां दूसरी गाड़ियां भी गुजर रही थी जो ऑटो से टकराने से बच गई। बताया गया कि ऑटो ड्राइवर इंतजार किए बिना सड़क को पार करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन यह आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया, जिससे निकलने वाली लपटें दूर से दिखाई दी और इलाके में धुआं छा गया। जिसकी सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियां वहां पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन यह आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग के कर्मचारी को काफी वक्त लग गया, क्योंकि आग की ऊंची लपटें लगातार मकान से उठ रही थी, जिसके बाद जिसके पास जाना खतरे से कम नहीं था। दिल्ली के द्वारका में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले किए। इसे एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली के कड़कड़डूमा में रैली की थी, और उसी रैली की तरह द्वारका में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आक्रामक दिखाई दिए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसलों के बाद किस तरह के बयान आए, आप मुझे मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय यहां की सरकार में बैठे लोगों ने जो आज आपसे वोट मांगे निकले हैं, उन्होंने कैसे बयान दिए थे आपको याद है ना? आपको याद है ना? वो गुस्सा है कि नहीं है? वो गुस्सा है कि नहीं है? हर दिल्ली वासी में वो गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वो गुस्सा है तो 8 तारीख को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? PM नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं करने का आरोप भी एक बार फिर लगाया। कितनी विकृत मानसिकता होगी, पल पल दिमाग के हर कोने में कैसी गंदी राजनीति भरी पड़ी होगी जो गरीबों के प्रति इतना नकारात्मक विचार रखती है। यही नहीं, उन्होंने केजरीवाल सरकार पर नागरिकता कानून के बहाने लोगों को गुमराह करने का इल्जाम भी लगाया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून बनने के बाद देश और दिल्ली के लोग
पहले दिन से देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, लोगों से झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस की भर्ती के लिए युवाओं में जबरदस्त जोश दिखा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमा के पास बसे इलाकों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है, जिसके तहत राजौरी में हुई भर्ती रैली में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा पहुंचे। भर्ती के लिए सुबह से लंबी कतारें लग गई। भर्ती में पहुंचे लोगों में जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़ने का जोश साफ नजर आया। अगर हमें मौका मिला तो हम सेवा करेंगे देश की, बड़े जज्बे के साथ, इतना शौक है हमें। भर्ती रैली में पहुंचे लोगों ने पूरे जोश के साथ फिजिकल टेस्ट दिया और सरकार की इस विशेष पहल का स्वागत किया। हम गवर्नमेंट ऑफ J&K के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहली बार हमारे बॉर्डर के लोगों के बारे में सोचा है और बॉर्डर बटालियन की मंजूरी दी है। बताया गया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत सीमा पर बसे लोगों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 विशेष बटालियन तैयार की जानी है। तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए एक पहल की गई और उसमें उसके तहत जो है 2 बटालियन जो है रेज कर रहे हैं। मुंबई समेत देश के कई शहरों में LIC के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने LIC के हिस्सेदारी बेचे जाने के सरकार के फैसले पर विरोध जताया और 1 घंटे के लिए काम को वित्त मंत्री ने LIC की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने इसे LIC के ग्राहकों की अनदेखी कर लिया गया फैसला बताया। सबसे बड़ा नुकसान अगर होगा तो वो पॉलिसी होल्डर का होगा, उनके विश्वास का होगा। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग करते हुए 1 घंटे तक मुंबई में LIC कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा। यहाँ पर तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार अपने स्टेप को पीछे नहीं लेती है तो जितने भी LIC के संगठन हैं वो सभी इसका विरोध करेंगे। मुंबई के अलावा चंडीगढ़ में भी LIC के कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी LIC के हिस्सेदारी बेचे जाने के फैसले को गलत बताया। हर पब्लिक सेक्टर के ऊपर आज जो यानी इन्होंने एक छुरा चलाया है, ये एक बहुत खतरनाक काम है। दक्षिण जर्मनी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी उफान पर आ गई और उसका पानी शहर के अंदर घुस गया। बाढ़ से वहां की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों तक भी पहुंच गया, जिसके बाद लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। या मैं schaut halt, aber im Grunde genommen ist es schlimm, ne? Für die Menschen, die hier wohnen und überhaupt. हालात इतने खराब हो गए कि जगह जगह बाढ़ के पानी से दूर रहने की चेतावनी लिखे बोर्ड लगा दिए गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है, जिसके बाद लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खुद को हनुमान भक्त बताने पर भी सियासी घमासान छिड़ गया। BJP ने इसे केजरीवाल का चुनावी डर बताया और दिल्ली में रैली के दौरान यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने यह मुद्दा उछाल दिया। उन्होंने केजरीवाल के साथ OVC को भी निशाने पर ले लिया। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। OVC भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा तो दिखाई देगा। असल में एक दिन पहले ही केजरीवाल ने News18 के मंच पर हिंदू विरोधी होने के इल्जाम के जवाब में खुद को हनुमान भक्त बताया था और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में तंज कसते हुए इशारों में केजरीवाल की तुलना रावण से कर दी, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने कड़ा जवाब दिया। ये इतने हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए हैं कि इनसे पूछ के लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इनके इनसे पूछ के मंदिर में जाएंगे, इनसे पूछ के माँ दुर्गा की प्रार्थना करेंगे। कैसे लोग हैं भाई ये लोग। लेकिन केजरीवाल के हनुमान चालीसा पढ़ने पर BJP नेताओं के हमले बंद नहीं हुए। हनुमान जी को अब ये बुड़बक नहीं बना सकते, इन्होंने बिहार UP को बना दिया था और चुनाव जीत गए थे। हनुमान जी बहुत क्लेवर है, वो हनुमान चालीसा पढ़े केजरीवाल जी या पेड़ पर उल्टा लटक जाए, ये चुनाव वो हार रहे, ये चुनाव वो जीत नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल पर हो रहे हमले को समाजवादी पार्टी ने BJP की बौखलाहट बताया। ये रोजाना हनुमान चालीसा, रोजाना राम का नाम, रोजाना मंदिर का नाम, रोजाना पूजा, न जाने क्या क्या किए, उसके बाद आज उन्होंने पढ़ा तो उनको लगता है
कि मेरी मेरी चीज उन्होंने अपना लिया तो मेरा क्या होगा, तेरा वही होगा कालिया जो कालिया का शोले में हुआ था। इसी बीच दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हनुमान मंदिर पहुंच गए और पूजा की। चुनाव प्रचार के बीच मनोज तिवारी झंडेवालान के हनुमान मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। मनोज तिवारी काफी देर तक मंदिर में रुके रहे, इस दौरान उन्होंने हनुमान की आरती भी की। आरती करने के बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार के लिए निकल पड़े। इंडोनेशिया में चीन से आए एक विमान से उतरने वाले यात्रियों पर एयरपोर्ट पहुंचते ही दवा का छिड़काव किया गया। इन सभी यात्रियों को एक मिशन के तहत चीन के वुहान से निकाल कर लाया गया, लेकिन विमान से उतरते ही डॉक्टरों की एक टीम ने मास्क पहने इन यात्रियों पर दवा का छिड़काव शुरू कर दिया। हर यात्री पर अच्छी तरह से दवा डालने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया। यहां से चीन से आए यात्रियों को एक दूसरे विमान में बिठाकर एक दूसरी जगह भेज दिया गया, जहां इन यात्रियों को 2 हफ्ते तक अलग थलग रखा जाएगा और उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन फैसला उल्टा पड़ गया। टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और केवल 172 रनों पर ढेर हो गई। जवाब में बैटिंग करने आई टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों को भी पाकिस्तान के गेंदबाज आउट नहीं कर पाए और टीम इंडिया ने 10 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। ओपनर यशस्वी जायसवाल 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे और दूसरे ओपनर दिव्यांश सक्सेना 59 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को रौंदकर टीम इंडिया ने 9 फरवरी को होने वाले टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है। फाइनल मैच में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला दूसरे सेमीफाइनल से होगा, जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया अब तक 4 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट की चैंपियन बनने से महज एक कदम दूर है। गुजरात के मंत्री जयेश राडिया पर नोटों की बारिश करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया गया कि ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जब जयेश राडिया राजकोट में सामूहिक शादी समारोह में शामिल हुए थे। इस बीच वो एक ढोल पर बैठे नजर आए, जबकि मंच पर मौजूद कुछ लोग उन पर नोटों की बारिश कर रहे थे। जयेश राडिया पर नोट बरसाने का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। जयपुर में कोरोना वायरस का डर कारोबार पर दिखने लगा है। जहां एक तरफ चीन से पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं हांगकांग में मार्च में होने वाले ज्वेलरी मेले में हिस्सा लेने से भारतीय कारोबारियों ने इनकार कर दिया है। जिनमें जयपुर के कारोबारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहां कोई वायरस नहीं आएगा, बीमारी का डर है, न कोई विजिटर जाएंगे, न जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है शो में वो जा पाएंगे। काफी बड़ा इफेक्ट है, इस शो का काफी व्यापारी को नुकसान झेलना पड़ेगा। जयपुर में विदेशी पर्यटक भी कम आ रहे हैं। जयपुर के जंतर मंतर पर तो इसका असर भी दिखा। लोग कोरोना वायरस के डर से मास्क लगाकर घूमते दिखे। सैलानियों में किस तरीके का असर है, और खास तौर पर जो चाइना से क्या सैलानी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? चाइना से भी जितने भी सैलानी आ रहे थे उनको बंद कर दिया गया है, वो लोग नहीं आ रहे, उनकी फ्लाइट्स को भी शायद बैन कर दिया गया है यहाँ आने के लिए। कि चाइनीज ग्रुप्स कैंसिल हुए हैं, वो नेचुरल चीज़ है कि ये कैंसिल होंगे, बिकॉज कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कोई वायरस हमारे देश में आ जाए। जयपुर में चीन से आने वाले खाने पीने के सामान पर भी लगभग रोक लग गई है, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश की सुरक्षा के लिए बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों को जरूरत के मुताबिक खाना और दूसरे जरूरी सामान नहीं मिल रहे हैं। ये दावा संसद में पेश की गई कैक की एक रिपोर्ट में किया गया। ये रिपोर्ट 2017-18 के समय तैयार की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लेह और सियाचिन जैसे ऊंचे और ठंडे इलाकों में तैनात सैनिकों को जरूरत के हिसाब से कपड़े और खाने का सामान नहीं मिल रहा है। दुर्गम और बर्फीले इलाकों में तैनात सैनिकों को गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग और बर्फ में पहनने वाले चश्मे भी नहीं मिल रहे हैं। यही नहीं, सैनिकों को बर्फ में चलने के लिए स्नो बूट तक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पुराने जूतों से ही काम चलाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊंचे इलाकों में एक सैनिक को जितने खाने की जरूरत होती है उतना खाना भी जवानों को नहीं मिल पा रहा है। ये भी दावा किया गया है कि खाना कम मिलने की वजह से सैनिकों को 82% तक कम कैलोरी मिल रही है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कैक की रिपोर्ट को पुरानी बताया और सियाचिन में तैनात जवानों के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने का दावा किया। इज नॉट अ रिपोर्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स, सो इट्स अ लिटिल आउटडेटेड इन दैट सेंस, बट आई वुड लाइक टू अश्योर यू दैट एज ऑफ टुडे 2020 वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड
And in fact, every jawan who goes to Sachin gets personal clothing worth approximately 1 lakh each person. सेना से जुड़ी इस रिपोर्ट पर जब न्यूज 18 ने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक से बात की, उन्होंने कैप की इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। जी की रिपोर्ट आई है कि सियाचिन में सेना के लिए खाना और सामान की कमी है। नहीं, वो हमने देखी नहीं है, जैसा वी विल गो थ्रू इट, आपको मिलेंगे बाद। वहीं कैग की रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार केवल देश के जवानों पर राजनीति करती है। स्नो गॉगल्स की बात आए तो 4 साल मिलती नहीं, उस सरहद पर उनको नहीं मिलती। आपको मालूम है कि इसका नतीजा क्या होगा, और उनको जो बूट हैं, स्नो बूट्स हैं, वो नहीं मिलते, एक एक साल तक नहीं मिलते। उनके कपड़े हैं जो लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े हैं, वो नहीं मिलते। जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो नहीं मिलता। वो ये CAG रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। अब ये CAG की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वसीम जाफर रणजी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विदर्भ के क्रिकेटर वसीम जाफर रणजी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ये कामयाबी नागपुर में केरल के खिलाफ हो रहे मुकाबले में हासिल की। संसद भवन के ऑडिटोरियम में BJP की एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को ठंड में गर्म और ज्यादा कपड़े पहनने की सलाह दी। हालांकि मुरलीधरन ने PM को बताया कि उन्होंने कुर्ते के अंदर गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं। शर्जील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाले 51 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया। इस FIR में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की छात्रा उर्वशी चूड़ावाला का भी नाम शामिल है, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया, लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। हमारे पार्टी ने बड़े मजबूती के साथ विरोध किया, न चाहते हुए भी भाजपा के विरोध के कारण उन्हें आज मामला दर्ज करना पड़ा। वर्ल्ड कैंसर डे पर भारतीय हॉकी टीम के कुछ खिलाड़ी ओडिशा के भुवनेश्वर में एक अस्पताल पहुंचे, जहां इन खिलाड़ियों ने कैंसर पीड़ित मरीजों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने वर्धा में एक महिला लेक्चरर को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। इससे पहले वर्धा में इलाके के कई दुकानदारों ने इस घटना के विरोध में बाजार बंद रखे। आतंकवादियों की मदद के आरोप में गिरफ्तार DSP दविंदर सिंह से पूछताछ में कुछ अहम बातें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों की मदद करने के आरोपियों में अब पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद का नाम भी जुड़ गया है। DSP दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार किए गए हिस्प के कमांडर नावेद ने भी जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद का नाम जांच एजेंसियों के सामने लिया है। इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर में निर्दलीय विधायक चुने गए थे, जिन पर पहले भी आतंकवादियों की मदद करने के आरोप लगते रहे हैं। इंजीनियर रशीद फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। माना जा रहा है कि NIA अब इंजीनियर रशीद से नए सिरे से पूछताछ कर सकती है। महात्मा गांधी के आंदोलन को ड्रामा बताने वाले सांसद अनंत कुमार हेगड़े से BJP ने दूरी बना ली। खबर है कि इस मामले में उनसे बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को लिखित में अपना जवाब सौंप दिया। एक दिन पहले पार्टी आलाकमान की तरफ से अनंत कुमार हेगड़े से सफाई भी मांगी गई, और चर्चा है कि अगले ही दिन उनके BJP संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई। यही वजह है कि इस बैठक में पार्टी के सभी दिग्गज तो मौजूद थे, लेकिन अनंत कुमार हेगड़े कहीं नजर नहीं आए। अनंत कुमार हेगड़े के महात्मा गांधी पर दिए गए जिस बयान पर इतना बवाल हो रहा है, वो उन्होंने 3 दिन पहले बेंगलुरु की एक सभा में दिया था। ब्रिटिश ಒಂದು ಲಾಠಿ ಏಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಲಾಠಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಲಾಠಿ ಏಟ್ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರು। जिसके बाद कांग्रेस ने देश हित की बात की और BJP पर जोरदार हमला किया। अभी तक तो महात्मा गांधी जी को इन्होंने देशद्रोही की दर्जा नहीं दिया, देशद्रोही कहते हुए उनको उनके खिलाफ इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन अगले दिन ये भी हो सकता कि हमको ये सुनने पड़ेगा कि महात्मा गांधी एक देशद्रोही था। विवाद बढ़ा तो अनंत कुमार हेगड़े ने सफाई दी और अपने बयान का गलत मतलब निकाले जाने का आरोप लगाया। अगर एक शब्द भी महात्मा गांधी जी के बारे में अगर मैं कहा हूँ तो, या नेहरू जी के बारे में कहा हो, या कुछ कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में कहा हो, तो मुझे दिखाइए। हालांकि BJP आलाकमान इस मामले में नरमी दिखाने के मूड में नहीं लग रहा, क्योंकि पार्टी ने अनंत कुमार हेगड़े को साफ साफ कह दिया है कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यही नहीं, BJP ने अनंत कुमार हेगड़े के बयान के मामले को पार्टी की अनुशासन समिति को भेज दिया है। इससे पहले कर्नाटक BJP की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने BJP अध्यक्ष JP नड्डा को अपना जवाब भेजा।
जिसमें अनंत कुमार हेगड़े ने कन्नड़ में दिए अपने पूरे बयान का अनुवाद लिखा और दावा किया कि उन्होंने अपने बयान में महात्मा गांधी या सत्याग्रह का जिक्र तक नहीं किया था। अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद लोकसभा को एक घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। आप चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की जाती है। 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन शोर नहीं थमा। कांग्रेस के सांसद माफी मांगो के नारे लगाते रहे। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं। जो महात्मा गांधी सारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे दुनिया को पीड़ितों लोगों को नेता है, सारे दुनिया जिनको पूजा करते हैं, आज वो महात्मा गांधी को यहाँ गाली दिया जा रहा है। जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी खड़े हुए, जिन्होंने अनंत हेगड़े के बयान पर सफाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका भी नहीं चूका। दिल्ली चुनाव का असर पंजाब और हरियाणा में सरकारी कामकाज पर पड़ा है, क्योंकि पंजाब की कांग्रेस सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली चुनाव में लगा दी है। और अब जब आधे से ज्यादा मंत्री दिल्ली में हैं, तो उनके दफ्तरों में कामकाज लगभग ठप बताया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम ने तो सचिवालय जाकर इसके बारे में जानकारी जुटाई। हमें पता चला कि दिल्ली चुनाव की वजह से पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, मंत्री ओम प्रकाश सोनी, शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू समेत कई मंत्रियों के दफ्तर खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से शिकायत लेकर आ रहे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। हम चाहते थे कि मंत्री से भी हम बात करें, कि उनको भी सारा समझाएं। मंत्री इधर कोई नहीं है। पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरह हरियाणा की बीजेपी सरकार के भी कई मंत्रियों के दफ्तर हमें खाली मिले। इनमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली चुनाव के प्रचार में जुटे हैं और सचिवालय केवल एक दो मंत्री ही आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम सपोर्ट कर रहे हैं और आज हमारे डिप्टी सीएम साहब आज रैली में भी, उनके जो द्वारका रैली है वहाँ रैली में भी गए हैं। पंजाब और हरियाणा के मंत्रियों की गाड़ियाँ जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ भी सन्नाटा पसरा दिखा, जिससे इतना तो समझ आ गया कि पंजाब और हरियाणा दोनों ही सरकारें दिल्ली चुनाव में व्यस्त हैं। चीन के चिचियांग में वैज्ञानिकों ने बाह की तरह काम करने वाला छोटा रोबोट बनाया। इसे रोबोटिक आर्म भी कहा जाता है, जो लोगों के दिमाग को पढ़कर उसके मुताबिक काम कर सके। इस छोटे रोबोट को का एक ऐसे बुजुर्ग मरीज के साथ ट्रायल किया गया जो खुद से अपना हाथ भी नहीं हिला सकते, लेकिन बाह की तरह काम करने वाले इस रोबोट की मदद से वो अपने आप ही कोल्ड ड्रिंक उठाकर पीने में कामयाब रहे। इसके लिए उन्होंने अपने दिमाग के जरिए रोबोट को निर्देश दिए, जिन्हें समझने के बाद रोबोटिक आर्म ने वैसा ही किया। यही नहीं, इसकी मदद से उन्होंने खाना खाने और लोगों से हाथ मिलाने जैसे काम भी करके दिखाए। इसके लिए उनके दिमाग में ऑपरेशन के जरिए एक छोटी चिप लगाई गई है, जो दिमाग में होने वाली हलचलों को बाहर मौजूद एक कंप्यूटर तक पहुंचाती है और फिर कंप्यूटर से जुड़ी रोबोटिक आर्म इन संकेतों को पहचान कर उसके मुताबिक काम करती है। ट्रायल में कामयाब रहने के बाद इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की योजना है। दिल्ली में 8 तारीख को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार का मेगा प्लान तैयार किया है। चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के लिए राजधानी का चुनावी माहौल बदला है और यही वजह है कि पार्टी इसे भुनाने की कोशिश में जुट गई। बीजेपी के 240 सांसदों की ड्यूटी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में लगाई गई है। ये सभी सांसद अगले कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे और पदयात्रा करेंगे। इस बीच इन सभी सांसदों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था झुग्गी झोपड़ियों में ही होगी। खबर है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सभी सांसदों को पूरी ताकत झोंकने के लिए कहा है। अगले 3 से 4 दिन के चुनाव प्रचार में पूरा फोकस दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों पर रखने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली में 6 फरवरी की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दिल्ली की चुनाव के प्रचार में गर्माहट आ चुकी है। इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी भले ही दिल्ली में जीत का दावा कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसका ये मेगा प्लान फ्लॉप होने का दावा कर दिया।
पिछली बार भी यही किया था इन लोगों ने, कोई नई बात नहीं है। तो ये लोग जितना अपनी ताकत लगाएंगे उतना दिल्ली की जनता खड़ी होगी हमारे साथ। दिल्ली के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी रखा। 6 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली और वो दिल्ली की गली गली में रैली और रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के मोती नगर इलाके में भी रोड शो किया जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस रोड शो में उनके साथ पार्टी नेता मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के कैंट इलाके में एक रैली को संबोधित किया जहां उन्होंने एक बार फिर देश हित के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। जेएनयू के अंदर जब ये नारे लगे, मोदी जी ने कन्हैया कुमार और उमर खालिद को जेल में डाल दिया, एक सवा साल से प्रोसिक्यूशन की परमिशन चार्जशीट के लिए हम मांग रहे हैं, ये केजरीवाल एंड कंपनी दे नहीं रही है। मित्रों चिंता मत करो, सरकार बना दो, 11 तारीख को शाम को 6 बजे के पहले चार्जशीट का परमिशन हम दे देंगे। यही नहीं, उन्होंने देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम की बात करते हुए केजरीवाल पर चुटकी भी ली। एक ट्वीट हो गया, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, दिल्ली में बिजी है, जरा शर्जील इमाम को पकड़ कर दिखाओ। उनको ऐसा लगा कि हम भी ये वोट बैंक से डरेंगे। मैंने तो उनका मान लिया, दूसरे ही दिन पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार की शुरुआत कर दी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ दिल्ली के संगम विहार में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष कीर्ति आजाद भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रियंका और राहुल का स्वागत किया। दिल्ली के अंदर अपनी पहली ही चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। रोजगार के लिए तरस रहे हैं लेकिन ये मुद्दे उठ नहीं रहे हैं इस चुनाव में, इसके बारे में आपसे बात नहीं की जा रही है। कोई दूसरे देशों की बात करता है, कोई फूट फैलाने की बात करता है, एक जने कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो देशद्रोही है, कोई और कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो भ्रष्ट है। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत जंगपुरा से की। जंगपुरा पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार तलविंदर सिंह मारवा के लिए प्रचार किया और पहली चुनावी सभा में सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। नरेंद्र मोदी ने अच्छा नारा दिया मेड इन इंडिया का, मगर एक फैक्ट्री नहीं लगाई। इंडियन ऑयल, अब एयर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रेलवेज, एनर्जी, लाल किला तक, शायद ताजमहल भी बेचने, पूरा का पूरा ये बेचने में लगे हुए हैं। यमन के मारिब में ईरान के समर्थन वाले यहूदी विद्रोहियों ने एक सैनिक अड्डे पर मिसाइल से हमला कर दिया। इसी सैनिक अड्डे में सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सेना का हथियार डिपो भी था जिसमें जोरदार धमाके के साथ आग लगी। हथियार डिपो से जबरदस्त लपटे उठने लगी। आग ने वहां रखे गोरा बारूद को अपनी चपेट में लिया, वो धमाके के साथ फटने लगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि इन्हें दूर से ही सुना जा सकता था। ईरान के समर्थन वाले विद्रोही सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इन हमलों में तेजी भी आई है जिनमें बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। प्रधानमंत्री के शाहीन बाग के प्रदर्शन को प्रयोग बताने वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली के चुनाव में अपनी पहली रैली की थी जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की खूबियां और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की कमियां गिनाई। यही नहीं, कड़कड़ डूमा में हुई इस रैली में उन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शन पर भी बात की थी और इसे एक राजनीतिक प्रयोग बताया था। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए शाहीन बाग का प्रदर्शन खत्म नहीं होने दे रही और इसीलिए उसने पीएम की नीयत पर सवाल उठा दिया। अगर कोई आदमी सड़क रोके तो अब तक पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही
और इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, तो अब ये बात सबको समझ में आ रही है कि उनको किसने बिठा रखा है और वो किसके फायदे के लिए बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के हमले का जवाब देने में देर नहीं की, हालांकि इस मामले में उसकी राय आम आदमी पार्टी से अलग है। जो महिलाएं अगर शाहीन बाग में बैठी हैं तो वो षड्यंत्र हो गया। आप जब कंस्पिरेसीज करते हैं तो वो देश के लिए ठीक है, और जो बाकी लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं वो षड्यंत्र हो गया। विपक्ष के तीखे हमलों के बीच बीजेपी ने शाहीन बाग के प्रदर्शन पर एक बार फिर वही बात दोहराई जो एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कही थी। जो लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं, जो ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक के अधिकार खतरे में हैं, वो इस तरह का डिजाइन कर रही हैं, पूरे देश में अफवाह फैला रही हैं। बिहार के आरा में एक व्यापारी के हथियारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले दो बदमाशों ने यूपी के एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने टायरों में भी आग लगा दी, जबकि कई लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। हथियारों को गिरफ्तार करो। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये लोग काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। इस बीच सड़क जाम होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।